बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सैग गेम्स का जो कैंप है पाकिस्तान लाहौर में स्टार्ट है, ये हमारे सामने इनायतुल्लाह यूथ ओलंपिक गेम्स के ब्रॉन्ज मेडल और 2017 पाकिस्तान के लिए गोल्ड या वर्ल्ड बीच में, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए एक दफा फिर गोल्ड लेंगे। ये मेरे साथ हैं अब्दुल रहमान, रिसेंटली पाकिस्तान चैंपियन हुए और बहुत से मेडल पाकिस्तान के लिए उन्होंने जीते। मोहम्मद उमैर, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, बहुत से मेडल पाकिस्तान के लिए जीते और इंशाल्लाह ताला गोल्ड जीतेंगे पाकिस्तान के लिए सैफ गेम में। इनके साथ हैं जमान अनवर, जमान अनवर 2016 सैफ गेम्स के गोल्ड हैं, 12 मेडल पाकिस्तान के लिए जीते, 12 पाकिस्तान चैंपियन हुए। उनके साथ तय्यब रजा अवान जो कि ब्रॉन्ज मेडल हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के और 12 पाकिस्तान चैंपियन हैं। लीजिए जनाब मोहम्मद इनाम भट्ट साहब, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड चैंपियन कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 गोल्ड, 2018 गोल्ड, 12 पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का परचम सरबुलंद कर चुके हैं। और ये तमाम टीम्स जो हैं वो ट्रेनिंग कर रही हैं। सैग गेम्स का जो कैंप स्टार्ट है लाहौर में, इसमें पाकिस्तान में ये जो रेसलर हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं इस टाइम। ये मैं बताता चलूं कि 2016 में सबसे ज्यादा मेडल पाकिस्तान को रेसलिंग में मिले थे, और इंशाल्लाह ताला इस दफा भी जो मेडल हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो मेडल हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान रेसलिंग जो है वो एक दफा फिर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद करेगी। कोच सुहेल रशीद हमारे साथ हैं, तमाम रेसलर्स मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान पाकिस्तान, इंशाल्लाह ये नारा नेपाल के खुटमंडो शहर में पाकिस्तान के लिए सरबुलंद करेंगे। थैंक यू। Thank you.